उथरैल के ग्रामीणों द्वारा मिनी माता चौक से अंडा मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण किए जाने पर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के मिनी माता चौक से अंडा मार्ग पर रोड निर्माण के चलते ग्राम कुथरैल के ग्रामीणों ने सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर उचित न्याय की मांग की है और गुहार लगाई है। गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दुर्ग मिनी माता चौक से ग्राम अंडा तक रोड चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है, जिससे इन ग्रामीणों के घर, दुकान व निजी जमीन दायरे में आ रहे हैं, जिसका इन्हें PWD विभाग द्वारा मकान व निजी जमीन का अतिक्रमण बताकर तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा व जल्द मुआवजा दिए जाने की बात कही है। साथ ही ग्राम कुथरैल के पट्टाधारियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 छत्तीसगढ़ पुनर्वास योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि एवं क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान किए जाने की मांग रखी है। इस संबंध में कुथरैल के ग्रामीणों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये अंडा से मिनी माता चौक ग्रुप ये 4 लेन सड़क का निर्माण चल रहा है और इसमें अंडा से लेकर के रास्ते में जितने भी गांव हैं, कुथरैल, जनखुरी, कोडियापुरी, किसे गांव वगैरह जितने भी हैं, कोनारी वगैरह, सब में सड़क चौड़ीकरण के नाम से सड़क के किनारे जिनका मकान है, दुकान है, सबको PWD ने नोटिस दिया है कि आप अपना कब्जा हटा दें, अपना मालिकाना हक दिखाएं, कब्जा हटा लें। मुद्दा ये है कि PWD को नोटिस देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह अधिकार पंचायती राज अधिनियम में या तो ग्राम पंचायत को है या लैंड रेवेन्यू एक्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को है। तो ये जितना नोटिस PWD ने दिया है वो अवैध है। दूसरा ये कि जितने भी लोगों को नोटिस मिला है, अधिकांश लोगों के पास छत्तीसगढ़ शासन ने पट्टा दिया हुआ है, इसलिए वो किसी भी प्रकार से अवैध कब्जा नहीं है, अतिक्रमण नहीं है। कुछ लोगों का लगानी जमीन भी है, कुछ लोगों ने जमीन खरीदा भी है। तो ये जो धौंस डाल करके तोड़ फोड़ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं बिना मुआवजा दिए, उसके मुद्दे को लेकर के आज कुछ देर के करीब करीब 50-60 प्रभावित ग्रामीण हैं, उनका प्रतिनिधि मंडल आज जनदर्शन में अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए हैं। ग्रामीण विधानसभा में रोड की निर्माण चलत है और रोड के निर्माण में PWD के कर्मचारी मन अवैध नोटिस दे के और रोड में आए हुए घर ल तोड़े के काम करत थे और लगातार हम शासन प्रशासन से गुहार लगाथन कि मुआवजा के प्रक्रम करे के बाद ही रोड निर्माण किया जाए और घर जो टूटे हैं, जिन तोड़ा जा थे रोड में घर आते हैं, मतलब मुआवजा के मांग मतलब पूरा करते हुए मुआवजा दिया जाए। सही तरीके से नहीं बन रही है, कहीं पर ज़्यादा चौड़ाई ली जा रही, कहीं पर कम चौड़ाई ली जा रही, पैसे वालों का छोड़ा जा रहा है, गरीबों का तोड़ा जा रहा है, ये सब हो रहा है। और जो रमन सरकार ने पट्टा दी, जो भूपेश सरकार ने पट्टा दी, उस नाप से सबका मकान बना हुआ और उसको अवैध बताया जा रहा है। तो ये नेता लोग क्या चाल है, हम लोग को समझ नहीं आ रही। कभी रोटी देते और कभी लोगों से रोटी छूनते हैं, गलत न्याय है ना। रोड चौड़ीकरण सही तरीके से होना चाहिए। दूर ग्रामीण मिनी माता से जो अंडा का चौड़ीकरण रोड हो रहा है, कई जगह अलग अलग तरीके से राजनीतिक दबाव के साथ किया जा रहा है, तो सही तरीके से PWD अपने अनुसार कार्य किया जाए। इसमें क्या है, मुआवजा जो जितने ही पट्टाधारी हैं उसको पूर्ण रूप से मुआवजा मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।